नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। एकल अभियान से संबद्ध अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा राष्ट्रीय खेलकूद समारोह 5-6-7 फरवरी को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इसके संबंध में एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया है। आइए सीधे चलते हैं प्रेसवार्ता में और जानते हैं इस राष्ट्रीय खेलकूद समारोह के विषय में। एकल अभियान द्वारा भारत के वनवासी खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन आगामी 5, 6 व 7 फरवरी को केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में किया गया है, जिसका शुभारंभ परंपरानुसार खेल मशाल के द्वारा होगा। इस मशाल को कल सायंकाल 4 बजे 3 न्यू गौतमपल्ली से उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक श्रीमान देवेंद्र सिंह चौहान जी प्रज्वलित करेंगे। गौतमपल्ली से राजभवन, हजरतगंज चौराहा, बाजार और परिवर्तन चौक होते हुए यह यात्रा केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचेगी। आगामी दिवस अर्थात 5 फरवरी को प्रातःकाल 10 बजे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी इसका शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ के समय खिलाड़ियों का मार्च पास्ट होगा, अर्थात अभिवादन संचलन होगा, ध्वजारोहण होगा, रंगारंग कार्यक्रम होंगे और सभी नन्हे खिलाड़ियों को आशीर्वाद मिलेगा। अतिथियों के क्रम में डिप्टी सीएम सर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री श्रीमान नरेश चंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्रीमान विराज सागर दास जी उद्घाटन समारोह के अतिथि होंगे। 6 फरवरी को सायंकाल तक अधिकांश प्रतियोगिताएं संपन्न हो चुकी होंगी। सायंकाल 5 बजे इनका पुरस्कार वितरण समारोह होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर खेल सचिव श्री नवनीत सहगल जी और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुश्री सुधा सिंह जी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। 7 फरवरी को प्रातःकाल 10 बजे इस खेल समारोह का समापन होगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्रीमान जयवीर सिंह जी, साथ में हमारे अभियान ट्रस्ट के ट्रस्टी जो दिल्ली से आएंगे श्री नंदकिशोर अग्रवाल जी मुख्य रूप से रहेंगे। इन तीनों दिन इस एकल अभियान के शुभारंभकर्ता अर्थात संस्थापक सदस्य माननीय श्याम जी गुप्त वयोवृद्ध संघ प्रचारक ये तीनों दिन समारोह में उपस्थित रहेंगे। एकल अभियान के तहत राष्ट्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन 5-6-7 फरवरी को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस पर जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महामंत्री माधवेंद्र सिंह ने बताया कि इन खेलकूद समारोह की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। उनका कहना है कि 5 फरवरी को इसका उद्घाटन सत्र होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शिरकत करेंगे। उनके साथ साथ प्रदेश के खेल मंत्री तथा उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इसके बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और खेल प्रतियोगिताएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन खेल प्रतियोगिताओं में कबड्डी, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ तथा अन्य प्रतियोगिताएं शामिल होंगी तथा 6 फरवरी को भी ये प्रतियोगिताएं चलेंगी और 7 फरवरी को इसका समापन सत्र किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शामिल होंगे। उनका कहना है कि हमारी सोच ये है, यदि खेलेगा भारत तो खेलेगा भारत। इसी अभियान को लेकर के हम इन राष्ट्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।